अमेरिका ने कश्मीर में आतंक फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। हिजबुल पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों पर लगाम लगाने की कोशिशों के तहत उसे आतंकी समूह घोषित किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित करने से इसे आतंकवादी हमले करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेंगे। हिजबुल कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। अब अमेरिका में मौजूद हिजबुल की किसी भी संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा और अमेरिकियों से कहा जाएगा कि वो इस आतंकी संगठन से किसी भी तरह का लेन देन न करें। और क्या है ये हिजबुल मुजाहिदीन और अमेरिका ने क्या कहा है, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी राजीव के पास। जय शोभना, जम्मू कश्मीर में जो तमाम उग्रवादी हरकतें हो रही हैं, जो तमाम कैओस फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, वो उसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन जिम्मेदार है। आखिर क्या है यह संगठन, हम अपने दर्शकों को ये बता दें, ये एक आतंकी संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर को टारगेट करता है, जम्मू कश्मीर में तमाम तरह की कोशिशें करता है खराबी पैदा करने की। कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठनों में से एक ये आतंकी संगठन माना जाता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो वारदात हो रही है, हिजबुल मुजाहिदीन अप्रैल 1990 से कश्मीर में सक्रिय है और इसका गठन मोहम्मद एहसान डार ने किया था, यानी जम्मू कश्मीर में विरोधी ताकतों को सहारा देने के लिए इसका यहां पर आगाज हुआ है। इसका सरगना हिजबुल मुजाहिदीन का फिलहाल सैयद सलाहुद्दीन है, जिसके जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी है। कश्मीर में कई आतंकी हमले में हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ रहा है और लगातार वो कश्मीर में तमाम समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया और शायद इसके चलते पाकिस्तान और साथ साथ इस संगठन को मिर्च भी लगी, उनको खराब भी लगा कि आखिर उनको किस तरीके से उनके पर कतरे जा रहे हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। शोभना, राजीव आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए भी है।